नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे नेटवर्क। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरता क्यों नहीं है? सरकार हर साल बेसिक स्कूलों में नौनिहालों की पढ़ाई पर भारी भरकम बजट खर्च करती है। उन्हें सेहतमंद बनाने को मिड डे मील का भी इंतजाम करती है, मगर स्कूलों की हालत इसके बाद भी बदरंग ही नजर क्यों आती है? बरेली के एक सरकारी स्कूल से सामने आई ये तस्वीरें हर उस परिवार को परेशान कर देंगी जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते तो पढ़ने के लिए हैं, मगर टीचर उनसे मजदूरों जैसा काम कराते हैं। मामला शेरगढ़ कस्बे के विद्यालय नंबर 2 का है, जहां पढ़ाई के समय मजदूरों की तरह ईंटें उठाते बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्कूल टाइम में टीचर नन्हे मुन्ने बच्चों से ईंटों की ढुलाई कराते हुए वीडियो में कैद हुए हैं। आसपास रहने वाले नागरिकों ने स्कूल में बच्चों को मजदूरों की तरह काम करते हुए देखा तो उसका वीडियो बनाकर न्यूज टुडे नेटवर्क को भेजा। नागरिकों ने स्कूल के अंदर मिड डे मील में बच्चों को दी जाने वाली कच्ची रोटियां और खराब दाल की कड़वी सच्चाई से भी वीडियो के जरिए सबको रूबरू कराने की कोशिश की। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बाद भी स्कूल प्रिंसिपल और टीचरों का रवैया नहीं बदल रहा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के पास इतना समय नहीं है जो एक बार शेरगढ़ के इस स्कूल का सच अपनी आंखों से देखें और बच्चों की हालत पर तरस खाकर दोषी स्टाफ पर कार्रवाई करें।